हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एट होम। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर। तो दोस्तों, कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है एक प्याज, एक मीडियम साइज़ का आपको प्याज लेना है और उसे ऐसे चार टुकड़े कर लेना है और थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और इसका आपको बना लेना है एक पेस्ट तैयार करना है। और साथ ही साथ हमें चाहिए होगी यहाँ पर दही। ये मैंने घर पर ही होममेड कर्ड बनाई है और आप देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा और मलाईदार दही बनकर तैयार हुआ है। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप दही और साथ ही साथ ये देखें, मैंने यहाँ पर लिया है बेसन। ये मैं इस कप का यूज़ कर रही हूँ। इस कप के जैसे मैं 2.5 कप बेसन लूँगी, तो आप देख सकते हैं कि मैं बड़े 2.5 कप बेसन लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्याज को पीस लेंगे। तो दोस्तों, कढ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कढ़ी को फेंटेंगे। तो मैं ऐड कर रही हूँ सबसे पहले यहाँ पर बेसन और बेसन के बाद हम ऐड कर देंगे दही। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पर 2.5 कप बेसन का यूज़ कर रही हूँ और साथ ही साथ 2 कप दही लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको नॉर्मल कढ़ी पसंद है, मतलब कि आप खट्टी कढ़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो आप नॉर्मल दही भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप खट्टी पसंद करते हैं तो आप थोड़ी खट्टी दही ले लें। ज़्यादातर लोग इसको मट्ठे से भी बनाते हैं, तो आप अगर मट्ठे से बना रहे हैं तो आप एग्जैक्ट रेशो रखें, बस दही की जगह मट्ठे का यूज़ करें और आपको इसे ऐड कर देना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ कर रही हूँ बेसन और कढ़ी को फेंटने के लिए। आप चाहें तो हाथ से भी फेंट सकते हैं। और मिक्सर में फेंटने से क्या होता है, बिल्कुल भी लम्स नहीं आते हैं, तो जो बिगनर्स हैं वो इसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है बेसन को फेंटने की मिक्सर में। ये देखें दोस्तों, कढ़ी के लिए हमारा स्मूथ मिक्सचर तैयार है। यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप। ये देखें, इस तरीके से आपको एक पतला घोल बनाकर तैयार कर लेना है। ध्यान रखें, आपको गाढ़ा नहीं बनाना है इसको, वरना गांठें पड़ जाएंगी। और ये हमने यहाँ पर प्याज भी पीस ली है, तो ये हमारी प्याज भी पिस चुकी है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर पतीले में बनाऊंगी हमारी कढ़ी। अगर आप चाहें तो आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। वैसे यार ट्रेडिशनली कढ़ाई में ही बनती है ये, पर मैं पतीले में बना रही हूँ। तो पतीले में हम सबसे पहले ऐड कर देंगे तेल। तो तेल मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 to 3 tablespoons। आप चाहें तो सरसों का तेल में भी बना सकते हैं इसको। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा प्याज का पेस्ट, सबसे पहले पिसा हुआ। पेस्ट ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मसाले। तो सूखे मसालों में मैं ऐड कर रही हूँ सबसे पहले 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, नमक डाल रही हूँ मैं 1 बड़ा चम्मच, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 3 teaspoon ऑफ हल्दी पाउडर। तो दोस्तों देखिए, अब हम मसालों को भून लेंगे प्याज के पेस्ट के साथ। दोस्तों, ये स्टेप करना नेसेसरी होता है, क्योंकि अगर आप इससे ये होता है कि मसालों के में से कच्चेपन की खुशबू नहीं आती है। और अगर आप कढ़ी को थोड़ा कम देर भी पकाते हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इस तरीके से बनाएं, बिल्कुल भी आपकी कढ़ी में से कच्चेपन की नहीं आएगी और बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनकर तैयार होगी। मसाला भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। ऐड करेंगे वाटर 1 कप। तो दोस्तों, अब हम मसाले के अंदर ऐड करेंगे हमारा घोल जो हमने बनाकर रखा हुआ था, बेसन और दही का घोल। ये देखें, ये गाढ़ा मिक्सचर है, तो अब हम इसको ऐड करेंगे। और साथ ही साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे 15 glasses ऑफ वाटर। दोस्तों, ये ऐड करते हुए आपको, जब आप ये घोल ऐड करें और पानी ऐड करें, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चम्मच लगातार चलाते रहना है। और पानी ऐड करने के बाद आपको इसे हाई फ्लेम पर, जब तक खद्दा नहीं आ जाता है तब तक इसमें चम्मच चलाते रहना है। पानी ऐड करने के बाद ये देखें, अब मैंने इसको हाई फ्लेम कर दिया और अब हम इसके अंदर खद्दा आने का वेट करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको चम्मच बिल्कुल भी, मतलब रोकना नहीं है, बिल्कुल भी इसको बीच में ऐसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको खद्दा आने से पहले बिल्कुल भी एक भी बारी के लिए बीच में छोड़ देंगे, तो क्या होगा, आपकी कढ़ी नीचे बैठ जाएगी और जल जाएगी और उससे आपकी कढ़ी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक कि इसके अंदर एक उबाल नहीं आता है, खद्दा नहीं आता है, तब तक आपको इसके अंदर चम्मच लगातार चलाते रहना है।
तो दोस्तों ये देखिए, अब हमारी कढ़ी में बॉईल आ चुका है और जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉईल आने के बाद आप इसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ सकते हैं और अब आपको इसे पकने देना है जब तक कि ये अच्छे से इसका कच्चापन चले नहीं जाता है। इसमें 1 to 1.5 आवर लगता है। तो अब आपको इसे मीडियम फ्लेम पर रख देना और बीच बीच में आप इसमें चम्मच चलाते रहें। दोस्तों जैसे जैसे आपकी कढ़ी पकती रहेगी वैसे वैसे गाढ़ी होती रहेगी, तो आपको इसे अच्छे से गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो दोस्तों अब हम बनाएंगे पकौड़ी कढ़ी के लिए हमारी। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा हरा मसाला। हरे मसाले में मैं यहाँ पर ले रही हूँ हरा धनिया। ये देख सकते हैं आप, मैंने अच्छा सा हरा धनिया ले लिया है, बहुत सारा, मतलब क्वांटिटी में। आप अगर ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिया है 4 से 5 हरी मिर्च। और ये मैंने ले रही हैं यहाँ पर प्याज। तो प्याज दोस्तों मैंने बड़ी यूज़ कर रही हूँ तो मैं 2 लूँगी। अगर आप छोटी यूज़ कर रहे हैं मीडियम साइज़ की तो आप 3 ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको बारीक चॉप कर लेना है, चॉपर से या हाथ से। और दोस्तों ये तकरीबन 1.5 आवर से हमारी कढ़ी पक रही है और आप देख सकते हैं कि ये आधी बची है अब करने के बाद। और आप देखें गाढ़ी हो गई है। और अब मैं हमारी फ्लेम जो है बंद कर रही हूँ और अब हम बनाएंगे हमारी कढ़ी के लिए पकौड़े। पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बेसन। बेसन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 2 कप। आप चाहें तो बेसन को छान सकते हैं ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े, मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। और ये देखें इसके अंदर ऐड कर देंगे अब हम 1/2 टीस्पून ज़ीरा क्यूमिन सीड्स, 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, वेरी लिटिल 1/4 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर क्योंकि मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ली हैं। पकौड़े को सॉफ्ट बनाने के लिए हम ऐड करेंगे 2 पिंच मीठा सोडा, जिसको खाने का सोडा ही बोलते हैं। और साथ ही साथ मैंने ऐड कर दिया है हरा धनिया, बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च भी ऐड कर दी है मैंने। साथ ही साथ ऐड किया है 1 कप पानी। और अब आपको इसे बैटर को मिक्स करना है। दोस्तों ध्यान रखें स्टार्टिंग में ज़्यादा पानी ऐड ना करें क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ती है, तो ध्यान रखें बैटर ज़्यादा पतला ना हो जाए। और ये 1/2 कप पानी मैंने और ऐड कर दिया है इसके अंदर और इसको भी हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। मीडियम कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी आपको। और ये यहाँ पर पकौड़ी के लिए हमारा बेसन घुलकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल ना मैंने मीडियम रखा है, ना तो ज़्यादा गाढ़ा रखा है और ना ही ज़्यादा रनी रखा है। तो आपको इस तरीके का मीडियम रखना है तभी आपकी पकौड़ियाँ सॉफ्ट बनेंगी। मीडियम हॉट ऑयल में अब आपको पोर करनी है पकौड़ी। और दोस्तों मैं हाथों की मदद से ही पकौड़ी डाल रही हूँ। और ध्यान रखें आपको छोटी छोटी पकौड़ियाँ डालनी है क्योंकि इसमें हमने सोडा ऐड किया है। अगर आप बड़ी ऐड करेंगे तो ये और बड़ी हो जाएंगी क्योंकि ये थोड़ी सी फूलेंगी। और साथ ही साथ अगर आपको हाथ से डालने में प्रॉब्लम हो तो आप स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो। और मीडियम हॉट ऑयल में ही हम इनको फ्राई कर लेंगे। और ये देखें आप, ये हमारी पकौड़ियाँ लाइट गोल्डन हो चुकी है और आप देख सकते हैं साइज़ और कलर इनका। आपको बिल्कुल इसी तरीके की पकौड़ियाँ बना लेनी है। और ये जो लाइट गोल्डन हो गई है इनको मैं निकाल रही हूँ, ऐसे ही सारी बना ले। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैंने सारी की सारी पकौड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। ये बिल्कुल एक साइज़ और एक ही कलर की हैं। इसी तरीके से आपको बना लेनी है पकौड़ियाँ। और अब मैं इनको कढ़ी में ऐड कर रही हूँ। ये देखें मैंने सारी की सारी कढ़ी में ऐड कर दी हैं। और ऐड करने के बाद आपको इन्हें इस तरीके से डिप कर देना है ताकि कढ़ी इनमें सोक हो जाए। और अब हम लगाएंगे कढ़ी में तड़का, या जिसको हम भंगार भी बोलते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस कर लिया है। साथ ही साथ लिए हैं 2 मीडियम साइज़ की सूखी साबुत लाल मिर्च और 1/2 छोटी चम्मच कलौंजी, 1/2 छोटी चम्मच मेथी दाना, 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 टीस्पून धनिया, साबुत धनिया। तेल को आपको अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके अंदर ये सारे के सारे हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ऐड कर देने हैं। और जब तक हमारी प्याज लाइट गोल्डन नहीं हो जाती तब तक आपको इसे फ्राई करना है भंगार को। और ये देखें आप, लाइट गोल्डन हो चुकी है हमारी प्याज। तो अब हम हमारे भंगार को ऐड कर देंगे कढ़ी में। ये देखिए दोस्तों अब हम ऐड कर रहे हैं हमारा भंगार। तो ये देखिए दोस्तों मैंने हमारी कढ़ी को यहाँ पर सर्व कर दिया और आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितनी टेस्टी और कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें कि ये कैसी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ देखने के लिए। और साथ ही साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस से नोटिफाइड रहें। तो दोस्तों ये मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि हमारी पकौड़ियाँ कितनी सॉफ्ट बनी है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, enjoy, love you all.